इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। फिलिस्तीन में मारे जा रहे लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रिया से परेशान नेतन्याहू ने अब नई मुसीबत मोल ले ली है। इसराइल के एक चैनल ने नेतन्याहू की ऑडियो क्लिप रिलीज की है। इस ऑडियो क्लिप में नेतन्याहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। इस क्लिप में एक और पीएम नेतन्याहू है और दूसरी ओर उस शख्स की आवाज है जिसे हमास ने बंधक बना लिया था लेकिन अब रिलीज कर दिया है, जबकि उसका बेटा अब भी हमास के कब्जे में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का टेप लीक के बाद मची इसराइल में खलबली। हमास के बंधक बनाए इसराइलियों पर नेतन्याहू का चौंकाने वाला पर्दाफाश। नेतन्याहू की बातें सुन भड़के इसराइल के लोग। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। फिलिस्तीन में मारे जा रहे लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रिया से परेशान नेतन्याहू ने अब नई मुसीबत मोल ले ली है। इसराइल के एक चैनल ने नेतन्याहू की ऑडियो क्लिप रिलीज की है। इस ऑडियो क्लिप में नेतन्याहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। इस क्लिप में एक ओर पीएम नेतन्याहू हैं और दूसरी ओर उस शख्स की आवाज है जिसे हमास ने बंधक बना लिया था लेकिन अब रिलीज कर दिया है, जबकि उसका बेटा अब भी हमास के कब्जे में है। आप आजाद हो गए, बधाई। जी शुक्रिया, हम दूसरे बंधकों को छुड़ाएंगे। मेरा बेटा अब भी बंधक है। हम बहुत बड़े मिशन में जुटे हैं। मेरा बेटा, हमें लेबनान और यमन से लड़ना है। मेरा बेटा, हमें इसराइल की रक्षा करनी है। मेरा बेटा। पूरे इसराइल में ये ऑडियो क्लिप चलाई जा रही है, ये साबित करने के लिए कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को बंधक बनाए गए इसराइल के लोगों की कितनी चिंता और फिक्र है। हालांकि यह पहला उदाहरण नहीं है जिसमें नेतन्याहू को यह कहते सुना गया हो कि उन्हें बंधकों से ज्यादा फिक्र देश की है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमास, हिजबुल्ला और हूथी विद्रोहियों के सर्वनाश की है। इसके पहले भी इसराइल में बेन्यामिन की हॉस्टेज पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। यहां तक कि नेतन्याहू कैबिनेट में बंधक संकट को लेकर एक्शन पर फूट सामने आ चुकी है। नेतन्याहू की गजा में भारी बमबारी, हमास के चीफ इस्माइल हानिया और कमांडर मोहम्मद दाइफ को मौत के घाट उतारने के बावजूद बंधक संकट का कोई हल नहीं निकल सका है। इसराइल की बड़ी आबादी अब कहीं ना कहीं ये मानने लगी है कि नेतन्याहू बंधक संकट को सुलझाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला करके 251 लोगों को बंधक बना लिया था, उन्हें गजा ले गए। नवंबर 2023 में इसराइल हमास के बीच समझौते में 105 लोगों को छुड़ा लिया गया था। 4 बंधकों को समझौते के पहले ही इसराइल ने रिहा कर दिया था, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स का मानना है कि 34 बंधकों की मौत हो चुकी है, जबकि 105 बंधकों को लेकर कहा जा रहा है कि वो हमास के कब्जे में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू इसराइल को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने में कामयाब होंगे, लेकिन गजा के युद्ध मैदान में नेतन्याहू का एक्शन देखकर इजरायली नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं। ऑडियो क्लिप बता रही है कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई से ज्यादा हमास के अंत पर फोकस कर रहे हैं और यही बात इसराइल के लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। जलते गजा से जीत की सूचना की उम्मीद में बैठे नेतन्याहू को देश के भीतर से ही विरोध की खबरें मिल रही हैं। नेतन्याहू इस वक्त 4 मोर्चों पर घिरे हुए हैं। पहला है हमास का सफाया कि उनकी कसम। दूसरा मोर्चा है लेबनन से हिजबुल्ला के युद्ध का ऐलान। तीसरा है यमन के हूथी विद्रोहियों की ओर से अटैक और चौथा है घरेलू मोर्चे पर नेतन्याहू के खिलाफ उठती आवाजें। चौतरफा घिरे नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये घरेलू मोर्चा ही है, क्योंकि देश में अव्यवस्था फैलती है तो ये तथ्य है कि जंग जीतकर भी नेतन्याहू के हाथ नीलबड्डा सन्नाटा ही आएगा।
बंधकों और लापता परिवारों के फोरम ने जून में भी देश भर में रैलियां की, नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। इसराइल और गजा के बीच लगातार चल रहे युद्ध के चलते इसराइल में जल्द चुनाव की मांग भी उठ रही है। इसराइल में 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन युद्ध को देखते हुए इसराइल में जल्द चुनाव कराए जाने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। इसराइल और गजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ। हमास ने युद्ध की शुरुआत की, लेकिन जवाबी हमले अभी तक इसराइल की तरफ से जारी हैं। गजा पर हमले करने और बम दागने की वजह से अपने ही देश में नेतन्याहू विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू पर हमास के साथ बंधक कैदी अदला बदली समझौता करने और गजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं। गजा में युद्ध शुरू करने से पहले भी नेतन्याहू को देश में न्यायिक सुधार की अपनी विवादास्पद योजनाओं के चलते विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते गजा में युद्ध ने उनके लिए हालात और भी मुश्किल बना दिए। गाजा में युद्ध शुरू हुए 10 महीने हो गए हैं। इस युद्ध में अब तक 40,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 1,00,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। माना जाता है कि 10,000 से अधिक लोग बमबारी वाले घरों के मलबों के नीचे दबे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग गाजा में अभी जिंदा हैं, वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। खाना, पानी, बिजली और दवा जैसी बुनियादी चीजों की भारी कमी है, जिसके चलते बहुत बड़ी आबादी कुपोषण और बीमारियों से घिर गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल को नरसंहार का आरोपी कहा है, लेकिन नेतन्याहू की दलील है कि आम फिलिस्तीनियों की मौत के लिए भी हमास ही जिम्मेदार है। हमास के आतंकी आम फिलिस्तीनियों के बीच छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इसराइली डिफेंस फोर्स को उन जगहों पर हमले के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेतन्याहू के दिमाग में ये बात बहुत क्लियर है कि अब की बार हमास के बहाने हिजबुल्ला और हूथी जैसे परमानेंट दुश्मनों को सबक सिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नेतन्याहू यही कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि युद्ध में बुरी तरह फंसने के कारण नेतन्याहू इजरायली बंधकों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और ना ही हमास को अब तक अपनी शर्तों पर बंधकों की रिहाई करने के लिए मजबूर कर पा रहे हैं। इसराइल में एक बड़े तबके का मानना है कि युद्ध लंबा खींच रहा है और बंधकों की रिहाई की कोई सूरत बनती नहीं दिख रही है। मतलब नेतन्याहू ने जिसके लिए युद्ध छेड़ा, वो अपने मकसद से भटक गया है। जिस ऑडियो क्लिप को लेकर नेतन्याहू निशाने पर हैं, उसमें नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि वो 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को इसराइल की हार की तारीख नहीं मानते, जबकि 7 अक्टूबर को हमले के लिए इसराइल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कई अधिकारी माफी मांग चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू ने अब तक 7 अक्टूबर को ही सुरक्षा चूक की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इसकी वजह से भी लोगों में काफी गुस्सा है। नेतन्याहू बीते 40 वर्षों से इसराइल की सियासत की एक ताकतवर शख्सियत रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल का पक्ष मजबूती से रखने के बाद नेतन्याहू 1996 में ओस्लो शांति समझौते के विरोध के मुद्दे पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग स्वतंत्र देश का प्रावधान था, लेकिन नेतन्याहू अलग फिलिस्तीन देश के हमेशा से विरोधी रहे हैं। नेतन्याहू इसके लिए अमेरिका से भी नाराजगी मोल लेते रहे हैं। हमास के खात्मे के मकसद पर इसराइल के सभी लोग एकमत हैं। लगभग पूरा इसराइल युद्ध का समर्थन करता है, लेकिन जिस तरह से ये युद्ध लड़ा जा रहा है और जैसे अब तक सभी बंधकों को छुड़ाया नहीं गया है, उससे नेतन्याहू का सियासी करियर दांव पर लग गया है।